वर्तमान समय बड़ सूचना सामना को आसुचे राज्यसभा निर्वाचन घोषणा होई तारीख आसंता फेब्रुआरी मास 27 तारीख में हो राज्यसभा निर्वाचन ओडिशा रे खाली पड़ा तीन आसन निर्वाचन राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव प्रशांत नंद और अमर पटनायक कार्यकाल शेष हो 15 राज्य 56 आसन निर्वाचन तारीख घोषणा करिसेंति निर्वाचन कमिशन एथिपई फेब्रुआरी 8 तारीख में विज्ञप्ति प्रकाश पाइब 15 फेब्रुआरी में नामांकन दाखल शेष तारीख रही 27 तारीख दिन निर्वाचन होगा सहित फलाफल प्रकाश पाइब ये हूँ वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण सूचना नामांकन दाखल शेष तारीख रही फेब्रुआरी मास 15 तारीख तारीख घोषणा करवाचन कमिशन राज्यसभा निर्वाचन तारीख घोषणा कर 27 फेब्रुआरी में राज्यसभा निर्वाचन यार भितर जहाँ कह 56 आसन निर्वाचन अनुषित होशार तीन आसन निर्वाचन तारीख धार्य कर राज्यसभा निर्वाचन घोषणा कर तारीख फेब्रुआरी 8 रे विज्ञप्ति जारी करा जो सूचना रोचे 15 राज्य 56 आसन निर्वाचन तारीख घोषणा करवाचन कमिशन ज्योतिप्रकाश दास हम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती ज्योतिप्रकाश राज्यसभा निर्वाचन तारीख घोषणा कर 27 फेब्रुआरी में राज्यसभा निर्वाचन हो राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव प्रशांत नंद और अमर पटनायक कार्यकाल शेष हो तेज यार भितर ओडिशा में तीन स्थान राज्यसभा निर्वाचन कौन रही अपडेट सोम्या आप देखो 15 राज्यर 56 राज्यसभा सीट खाली होणु से गुड़ी पुणी थे निर्वाचन करने इलेक्शन कमिशन पक्षर एने विधिवत भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाई आप देखिए आंध्र प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश एवं अन्य सहित 56 सीट खाली होची एवं एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा रो 3 सीट खाली होची जा फेब्रुआरी रे सरुच मार्च रे सरुची तेनु ता पूर्वरु निर्वाचन हबो तेनु ओडिशा रे जो 3 सीट खाली होची 3 जन सांसद होचंती अश्विनी वैष्णव जे 2019 रे राज्यसभा को निर्वाचित हेतिले एवं तापर होचंती अमर पटनायक विजु जनता दल वरिष्ठ नेता उपसभापति जे 2018 रे निर्वाचित हेतिले राज्यसभा को आउ जन होचंती प्रशांत नंद जे 2018 4 एप्रिल रे राज्यसभा को निर्वाचित हेतिले एवं संख्या दृष्टि रे आसन तीनोटी जो खाली होची ये विजु जनता दल हाथ को जीव जदि आपण संख्या गणित को हिसाब करंती किंतु ए सब भितर जहां नोटिफिकेशन प्रकाश पाई इलेक्शन कमिशन को पक्षर 8 फेब्रुआरी में विधिवत भाव विज्ञप्ति प्रकाश पाइब एवं नॉमिनेशन होची लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होची 15 तारीख 15 फेब्रुआरी अर्थात 8 तारीख नॉमिनेशन प्रक्रिया आरंभ हम 8 फेब्रुआरी 15 फेब्रुआरी अर्थात 7 दिन रखा जाउची गैप ता सहित नामांकन पर जो जांच हम प्रार्थी जो नामांकन पत्र जांच हम 16 फेब्रुआरी और जड़े प्रार्थी जदि चाहिए 20 फेब्रुआरी सुधा ता उद्याल कर पारिबो आउ 27 तारीख आवश्यक पड़े 27 तारीख होची भोट गणति एवं ये प्रक्रिया सारे 29 सुधा 29 फेब्रुआरी अर्थात कोटना कोटि 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व ये गोटे बड़ निर्वाचन विगुल कहुची आप जानते तीनोटी जो आसन खाली होची ये आसन विजु जनता दल हाथ को जवा स्पष्ट जना पड़ी किंतु किए से प्रार्थी कौ माने राज्यसभा निर्वाचन को दिल्ली को जिबे एवं सुप्रीमो कहा को चयन कर किसी समय पूर्व अमर पटनायक प्रतिक्रिया हस्तगत होती जहां कार्यकाल सरुची सी कहते जे अनेक वर्ष धरी ओडिशार मो प्रसंग दिल्ली दरबार में उठाई मुख्यमंत्री जो भरोसा विश्वास दे पठे साकार करी तेणु मुख्यमंत्री कहा को राज्यसभा पठेबे दिल्ली किए जीव किए स्वर शाणित कर ये दलर सुप्रीमो दलर हाईकमांड निष्पत्ति ने किंतु स्पष्ट कर दलर सुप्रीमो हाईकमांड निष्पत्ति ग्रहण करेंगे ज्योतिप्रकाश कितु जाना चाहिए गत वर्ष आम देखी गत थर के भाव में अश्विनी वैष्णव राज्यसभा को निर्वाचित होते यार भितर बीजेडी और बीजेपी उभय हाथ रही चलित थर से किसी संभावना देखा मिलू कि देखो 2019 निर्वाचन परे जो राज्यसभा निर्वाचन होता से अश्विनी वैष्णव जाते जहां गोटे राज्य राजनीति को चमकई ये विजु जनता दल ना घोषणा कर बीजेपी समर्थित प्रार्थी हिसाब से जाते आप जानते जे अश्विनी वैष्णव को नहीं राज्य राजनीति गोटे सरगरम होता अनेक आलोचना होता कि किभली भाव में नवीन पटनायक बीजेपी नेता समर्थन दौंती राज्यसभा उपहार दौंते जहां को नहीं गोटे राज्य तमाम गोटे अनेक हलचल देखा मिलता एवं भी अनेक समय कांग्रेस अभियोग आने कि बीजेडी आ भारतीय जनता पार्टी संपर्क एक अश्विनी वैष्णव फर्मुला को जो देखा जाए
किंतु एसब भितर आपण देखंतु जे अश्विनी वैष्णव जुलाई 29 2019 रे निर्वाचन राज्यसभा को जाइथिले एवं अनेक वर्ष धरी से दायित्व निर्वाह करिसंती एवं केन्द्र रे मध्य बड़ विभाग रे काम करिसंती। आईटी कथा कहंतु, रेलवे कथा कहंतु, अश्विनी वैष्णव ता सहित प्रशांत मुदुली जे क्षमा करियो प्रशांत नंद 2018 4 एप्रिल राज्यसभा को निर्वाचित होते किंतु प्रशांत नंद आम देखु राज्यसभा गला आक्टिवनेस एत ना दलर अनेक जो कार्यक्रम एवं ग्राउंड जीरो रे जो दल काम कर आक्टिव ना अर्थात प्रशांत नंद आग को राज्यसभा रिपीट हे ना प्रत्यक्ष निर्वाचन लड़े सी बड़ कथा किंतु ये जो 2024 निर्वाचन पूर्व ये जो तीनोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तेणु नवीन पटनायक भावी चिंती अति सतर्कतार सहित ये प्रार्थी चयन करिबो अर्थात आज आप देखु हलानी 29 तारीख हाथ में कम समय रहिला आलोचना कर हाथ में कम दिन रही है राज्यसभा निर्वाचन तारीख घोषणा कर 27 फेब्रुआरी राज्यसभा निर्वाचन प्रस्तुति आरंभ होगा देखा मिलला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम आलोचना आलोचना करतिनिधि ज्योति प्रकाश दास।